वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी कब चेक करनी होती है, कैसे चेक करनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है। इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है कि सर क्या प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी हम लोग टेस्ट करें तो ये सही रिज़ल्ट देगा। तो बेशक गाइस जो प्रेगा न्यूज़ है मैं खुद रेकमेंड करता हूँ पेशेंट को यूज़ करने के लिए। और अगर आप जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा और ये अच्छा बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड टेस्ट कार्ड है। फिर नेक्स्ट क्वायरी रहती है कि प्रेगा न्यूज़ का प्राइस कितना है, कहाँ और कैसे मिलती है। तो प्रेगा न्यूज़ आपको 50 रुपीज़ में ऑल ओवर इंडिया ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन ये केरला में अवेलेबल नहीं है, केरल में ये नहीं मिलती है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। लेकिन शिपिंग चार्जेस मेरे हिसाब से शायद आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप डायरेक्ट फार्मेसी पर जाकर, दवाइयों की दुकान पर जाकर अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो ये आपको 20 रुपये से 50 रुपये के समथिंग मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो केमिस्ट है वो आपको कितने रुपये का डिस्काउंट देता है। और इसके लिए डॉक्टर की स्लिप की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही जाके जो केमिस्ट है उनसे आप ये परचेज़ कर सकते हो। फिर आगे जब परचेज़ आप करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला तो ये कि जो प्रेगा न्यूज़ है वो फ्रिज में स्टोर नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर फ्रिज में लगी होगी तो ये ख़राब हो जाती है। हालांकि जो प्रेगा न्यूज़ है उसको एक विशेष तापमान पर रखना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फ्रिज में लगाना है, ठीक है। नंबर टू कि ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो ये ख़राब हो जाएगी। नंबर थ्री, अधिकतर लोगों को लगता है कि एक्सपायर नहीं होते, लेकिन ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो परचेज़ करने से पहले इनकी डेट ऑफ़ एक्सपायरी को आप चेक कर लें। अगर डेट ऑफ एक्सपायरी नियरली अबाउट भी है ना तो भी आप इनको परचेज़ करना अवॉइड करें। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी की जाँच कब करनी चाहिए। तो देखिए अगर किसी फीमेल के पीरियड साइकिल रेगुलर हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम अपनी पीरियड साइकिल की डेट के मिस होने का वेट करना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और जब उनका अनसेफ रिलेशन होता है तो उसके नेक्स्ट डे ही वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट करने से आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको पीरियड साइकिल के मिस होने का वेट करना है और जब 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएं, 5 दिन ऊपर हो जाएं तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ये तो बात थी रेगुलर पीरियड साइकिल वालों की। अब जिनका जो इरेगुलर पीरियड साइकिल होता है वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो जिस दिन आपका अनसेफ रिलेशन हुआ है उसके 21 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। और दोनों ही कंडीशन में, जिनका पीरियड रेगुलर है और जिनका पीरियड इरेगुलर है, दोनों ही कंडीशन में आपको सही रिजल्ट मिलता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगा न्यूज़ को सुबह के टाइम टेस्ट करना चाहिए या फिर दोपहर में, रात में, कब टेस्ट करना होता है। तो देखिए वैसे तो हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि आपको सुबह खाली पेट प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। इसके पीछे एक साइंस है, साइंस ये है कि जब आप रात को खाना खा के सो जाते हो और जब सुबह उठते हो तो इस बीच 4 से 6 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। इस बीच ना ही आप कुछ खाते पीते हो और ना ही यूरिन पास करते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम जो यूरिन पास किया है और जो आप अब सैंपल ले रहे हो, इसके बीच 4 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। होता ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल्स को रात में बारी बारी यूरिन लगता है और वो यूरिन पास भी कर लेते हैं। तो अगर 4 घंटे से कम का गैप है और आप टेस्ट करते हो तो आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो आप चाहे दिन में टेस्ट करो, दोपहर में करो, रात में करो, सुबह करो, 4 घंटे की गैप होना ज़रूरी है। आगे यूरिन सैंपल के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स रहते हैं गाइस। तो चलिए अब यूरिन सैंपल कैसे
कलेक्ट करना होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर वन तो ये है कि जो यूरिन सैंपल है वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आपको मजबूरी है कि आपने यूरिन सैंपल स्टोर करना है और बाद में टेस्ट कर रहे हो तो यूरिन सैंपल आपको फ्रिज में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप रूम टेम्परेचर पर इस सैंपल को रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और 12 घंटे के अंदर अंदर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, 12 घंटे के बाद ये यूरिन सैंपल आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर जो यूरिन सैंपल है जब आप जिस कंटेनर में कलेक्ट करोगे वो स्टेराइल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटल में तो इस टाइप का कंटेनर आपको दे दिया जाता है, लेकिन घर पर जब टेस्ट करते हो तो इस टाइप के कंटेनर तो होते नहीं हैं। तो आप चाहो तो ये जो प्रेगा न्यूज़ है, ये जब आप इसका रैपर खोलोगे तो इसके अंदर आप यूरिन कलेक्ट कर सकते हो, ये भी स्टेराइल होता है। और अगर आप इसके अंदर कलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप कोई कांच का कंटेनर यूज़ कर सकते हो, कोई कांच का गिलास यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर डिस्पोजल या कागज की बनी हुई कोई भी चीज़ यूरिन सैंपल के लिए आप यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जब यूरिन सैंपल आप कलेक्ट करेंगे तो आपको यूरिन पहले पास करना है थोड़ा, और बीच का जो मिड यूरिन सैंपल है वो आपने यूज़ करना है। कई बार यूरिन को लेकर लोगों को डाउट रहता है, तो यूरिन का मतलब पेशाब होता है, तो जो बीच का यूरिन सैंपल है, पेशाब है, वो आपने यूज़ करना है। इससे होगा ये कि जब आप बीज का यूरिन सैंपल लोगे, मिड यूरिन सैंपल, तो उसमें एक तो इन्फेक्शन नहीं होता, और जो आपको ग्रे कलर की लाइन दिखती है, हल्की लाइन दिखती है, या फिर जो इनवैलिड टेस्ट रिज़ल्ट मिलता है वो आपको मिलेगा नहीं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगा न्यूज़ में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और टेस्ट कैसे करना होता है। तो ये प्रेगा न्यूज़ है, और जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक टेस्ट कार्ड मिलेगा, एक आपको ड्रॉपर मिलता है, और एक आपको सिलिका जेल मिलता है। और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों को। कई लोग बोलते हैं कि सर इसको यूरिन सैंपल के अंदर डालना होता है क्या? तो देखिए, इसका जो काम है सिर्फ नमी को एब्जॉर्ब करना होता है। मतलब अगर बाय मिस्टेक प्रेगा न्यूज़ को किसी नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो अगर प्रेगा न्यूज़ के टेस्ट कार्ड के आसपास नमी आती है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि फ्रिज के अंदर प्रेगा न्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी कंडीशन में ये काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, और जो आपका टेस्ट कार्ड है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, जो ये ड्रॉपर है इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट रहते हैं। कई फीमेल इन ड्रॉपर को यूज़ नहीं करती, और जो पेशाब की धार होती है उसके आगे ये जो टेस्ट कार्ड है उसको आगे कर देती हैं और उनसे टेस्ट कर लेती हैं, जिससे उनको इनवैलिड टेस्ट रिज़ल्ट मिलता है या कई बार तो टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ड्रॉपर की हेल्प से ही आपको यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती हैं। फिर आता है ये टेस्ट कार्ड, इसको मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जो टेस्ट किट है इसको जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दो खाने दिखते हैं। जो ये गोल वाला खाना है इसके बाहर आपको S दिख रहा होगा, S स्टैंड करता है सैंपल के लिए, मतलब कि आपको पेशाब की यूरिन की 3 बूंदें इस खाने के अंदर डालनी होती है, गोल वाले खाने के अंदर। फिर जैसे ही 3 बूंदें आप डालेंगे तो पेशाब फ्लो होता हुआ दूसरे खाने में आता है नीचे से, और इस खाने के बाहर आपको टी और सी दिख रहा होगा। टी स्टैंड करता है टेस्ट लाइन के लिए और सी स्टैंड करता है कंट्रोल लाइन के लिए। यहीं पर आपको रिजल्ट मिलेगा। टी और सी का मतलब क्या है, रिजल्ट कैसे देखना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कई बार लोग इन 3 लाइनों पर रिजल्ट देखते हैं, जो कि गलत है। रिजल्ट आपको यहीं पर देखना है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है लाइव टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के लिए आपको ड्रॉपर का ही यूज़ करना है। और ड्रॉपर को कैसे यूज़ करना है, देखिए जो ड्रॉपर की ये पीछे की चीज़ आप देख रहे हो इसको बल्ब बोलते हैं, इसको जब आप दबाओगे तो ड्रॉपर के अंदर की एयर निकल जाएगी, और फिर आपको इसको यूरिन के अंदर डिप करना है और प्रेशर को रिलीज़ करना है। जैसे ही प्रेशर को आप रिलीज़ करोगे तो यूरिन इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब टेस्ट करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल है, और जैसा मैंने आपको बताया कि बल्ब को दबाना है ऐसे पीछे से और सैंपल लेना है।
जब सैंपल ले लेंगे तो आपको बहुत जरूरी काम एक ये करना है कि आपको टाइमर लगाना है, और टाइमर आपको 5 मिनट का लगाना है, मोबाइल में, घड़ी में, कहीं पर भी आप टाइमर लगाएं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपको वैलिड मिलता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए, हमने टाइमर लगा लिया है और हम लोग सैंपल खाने में पेशाब की 3 बूंदें डालेंगे। तो 1, 2, 3, देखिए 3 बूंदें ज़रूरी हैं डालनी, और 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको सही वैलिड रिज़ल्ट मिलेगा, और 5 मिनट के बाद का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड नहीं होता है। तो अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और 5 मिनट का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये 5 मिनट के बाद का कैसा रिज़ल्ट है आप देख सकते हो। तो गाइज़, लाइव टेस्ट देखने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि टेस्ट किट में सी ओ टी लाइन का मतलब क्या है, और जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो हम लोगों को कैसे समझना होता है। तो जो टेस्ट किट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टी का मतलब टेस्ट लाइन होता है और सी का मतलब कंट्रोल लाइन होता है। तो जब भी आप टेस्ट करोगे तो आपको कंट्रोल लाइन दिखनी चाहिए। अगर टेस्ट करने के बाद आपको कंट्रोल लाइन नज़र नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट है वो इनवैलिड है, आपने जो टेस्ट है वो गलत तरीके से किया है, या फिर जो ये टेस्ट किट है प्रेगान्यूज़, ये ख़राब हो चुका था जिसको आपने टेस्ट के लिए यूज़ किया, या फिर जो आपने यूरिन सैंपल यूज़ किया है वो ख़राब हो चुका था जिसको आपने टेस्ट में यूज़ किया। ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से टेस्ट करना होता है। फिर जब आप सही तरीके से टेस्ट करोगे तो आपको कंट्रोल लाइन नज़र आ जाएगी, और अगर कंट्रोल लाइन के साथ में टेस्ट लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि हमने लाइव टेस्ट में देखा, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि जिस भी फीमेल का ये यूरिन सैंपल है वो प्रेग्नेंट है। और अगर कंट्रोल लाइन के साथ जो टेस्ट लाइन है वो नहीं दिखाई देती तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा टेस्ट है वो नेगेटिव है, जिसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। कई बारी ऐसा भी होता है कि आपको कंट्रोल लाइन नज़र नहीं आती लेकिन टेस्ट लाइन नज़र आती है, जिसका मतलब यही है कि जो टेस्ट है वो इनवैलिड है और आपको दोबारा से टेस्ट करना होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है अब वो क्या करें। तो गाइस देखिए, ये तो प्रूफ हो चुका है कि आप लोगों को प्रेगनेंसी नहीं है। अब पीरियड्स का आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो पीरियड्स ना आने का कारण या तो ये है कि आप लोगों को हार्मोनल इशू हुआ है जिसके कारण पीरियड्स नहीं आ रहे, या फिर आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में आपको पीरियड्स आने का वेट करना चाहिए, या फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है अब उनको क्या करना है, तो यूजली हम लोग 6ठे सप्ताह पर आपको प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एडवाइस देते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपकी जो भी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर जो भी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में दी जाती हैं वो आपको एडवाइस की जाती हैं। फिर आगे जो तीसरी कंडीशन है वो उन लोगों के लिए है जिनका टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन उन्हें हल्की पिंक लाइन शो हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से 3 दिन के बाद टेस्ट करना होता है। जो आपकी हल्की पिंक लाइन शो हो रही है वो डार्क हो जाएगी, और अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो फिर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कि प्रेगा न्यूज़ के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि प्रेगा न्यूज़ को दोबारा से टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, ये सिंगल टाइम यूज़ के लिए होती है।
फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यूरिन को कम से कम कितने टाइम तक होल्ड करके रखना होता है। तो यूरिन को जैसा मैंने आपको बताया कि 4 घंटे तक होल्ड करके रखना जरूरी होता है। अगर आप 4 घंटे बाद टेस्ट करते हो तो आपको सुबह उठकर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 24 आवर्स में कभी भी टेस्ट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि यूरिन की ड्रॉप्स अगर 3 से ज़्यादा डाल दें तो कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूरिन ड्रॉप डालोगे तो जो सैंपल वाला खाना था वहाँ से जो यूरिन है वो ओवरफ्लो हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।